इस वीडियो को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है या फिर हमें किसी को भी मेडिसिन देनी पड़ सकती है, और हमें पता होना चाहिए कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं या फिर हम मेडिसिन किसी को दे रहे हैं वो किस काम आती है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए हर मेडिसिन में एक सफिक्स होता है, यानी कि मेडिसिन के लास्ट में एक वर्ड होता है जिससे हम जान सकते हैं कि वो मेडिसिन किस क्लास से बिलोंग करती है या फिर किस बीमारी के लिए दी जाती है। तो हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किसी भी मेडिसिन को हम उसके सफिक्स से जान सकते हैं, जैसे कि हमारा पहला सफिक्स है यहाँ पर केन। तो देखिए केन एक सफिक्स है जो कि लोकल एनेस्थेटिक में यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन को या किसी बॉडी के ऑर्गन को सुन करने के लिए दी जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं ज़ाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन, लिडोकेन। यदि आपको किसी मेडिसिन में देखने को मिलता है लास्ट में केन, तो आप समझ जाइए कि ये एक लोकल एनेस्थेटिक है। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ इमेज भी लगाई है, जैसे कि यहाँ पे है ज़ाइलोकेन। तो ज़ाइलोकेन एक इंजेक्शन आता है, यदि मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना होता है और उस ऑपरेशन वाले हिस्से को, यानी कि जहाँ का ऑपरेशन होना है और वहाँ पे उसे सुन करना होता है, तो वहाँ पर ज़ाइलोकेन इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके अलावा लिडोकेन एक टोपिकल एनेस्थेटिक आता है, यानी कि ये ऊपर से अप्लाई करना होता है किसी रीजन को या किसी पार्ट को सुन करने के लिए। तो आप जान सकेंगे कि केन का यूज लोकल एनेस्थेटिक में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला सफिक्स है मायसिन। तो मायसिन का यूज किया जाता है एंटीबायोटिक में, यानी कि इन्फेक्शन के लिए। यदि किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक दी जाती है। इसके एग्जाम्पल है एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप देख सकते हैं कि सबके लास्ट में यहाँ पर मायसिन वर्ड आया है। तो मायसिन वर्ड का यूज एंटीबायोटिक में किया जाता है, और यहाँ पे हमने कुछ इसकी इमेज भी लगाई है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के रूप में लगाया जाता है, यानी कि किसी को यदि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और यहाँ पे नीचे है नियोमाइसिन। तो नियोमाइसिन ये ऑइंटमेंट है, यानी कि ये ऊपर से लगाई जाने वाली क्रीम है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि मायसिन का यूज एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सफिक्स है ओलोल। तो यहाँ पे ओलोल, तो ये होते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो ये किसका यूज किया जाता है, हाइपरटेंशन में या फिर हार्ट अटैक में, यानी कि यदि किसी को हार्ट से संबंधित कोई बीमारी होती है तो उसमें बीटा ब्लॉकर्स का यूज किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं मेटाप्रोलोल, एटीनोलोल, एस्मोलोल, बीसोप्रोलोल। तो यहाँ पे हमने इसकी इमेज भी लगाई है, एटीनोलोल टैबलेट। तो आप देख सकते हैं जनरली इसका यूज हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में किया जाता है, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उन्हें ये मेडिसिन दी जाती है। तो इससे आपको याद रहेगा कि बीटा ब्लॉकर्स का यूज हाई ब्लड प्रेशर में या फिर हार्ट की किसी और प्रॉब्लम में किया जाता है। तो अगला सफिक्स है माइड एंड जाइड। तो इन दोनों का मतलब होता है डायूरेटिक्स। तो इनका काम क्या होता है, ये हमारे यूरिन को बढ़ा देती है, यानी कि इन्हें लेने के बाद हमें बार बार यूरिन आता है। और ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बड़ा होता है या फिर जिनके शरीर में सूजन होती है, यानी कि एडिमा होता है, तो उन्हें डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं फिरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, बेंजाथाइजाइड एंड क्लोरोथाइजाइड। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल है, यहाँ पे माइड आया है और यहाँ पे जाइड आया है। यहाँ पे हमने एक इसकी इमेज भी लगाई है लैक्सिस, जो कि कॉमनली यूज की जाने वाली डायूरेटिक है, ये बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सफिक्स है विर। देखिए यहाँ पे लास्ट में आया है विर, और ये है एंटीवायरल। तो आप इसे जान सकते हैं, यहाँ पे विर आया है और ये यहाँ पे वायरल आया है। तो यहाँ पे ये वायरस के लिए यूज की जाती है, यानी कि वायरस के इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ये साइक्लोविर, रेटिनाविर एंड इंडिनाविर। और यहाँ पे हमने इसकी इमेज भी लगाई है जो कि सिप्ला कंपनी की है, और ये एसीविर नाम से आती है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका यहाँ पे जेनरिक नेम है वो एसीलोविर यूज हुआ है, और ये जो है ये इसका ब्रांड नेम है। देन इसके बाद है पाम। देखिए इनका यूज एंटी एंजाइटी के रूप में किया जाता है, यानी कि यदि किसी को घबराहट होती है, बेचैनी होती है या फिर उसे नींद नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में इन ड्रग्स का यूज किया जाता है, जैसे कि डायजेपाम, लोरिजेपाम। तो इन दोनों के लास्ट में पाम आया है, और यहाँ पे हमने इसकी इमेज भी लगाई है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे है डायजेपाम। तो इस ड्रग का यूज एंजाइटी के रूप में किया जाता है, यानी कि एंजाइटी को दूर करने के लिए किया जाता है।
देन इसके बाद है स्टैटिन। देखिए स्टैटिन का यूज एंटी हाइपर लिपिडेमिक्स में किया जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका लिपिड बढ़ जाता है यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उन्हें स्टैटिन मेडिसिन दी जाती है, और इन पेशेंट को हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं तो उसे दूर करने के लिए यहाँ पर स्टैटिन दी जाती है। इसके एग्जांपल्स हैं एटोरवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन एंड लोवास्टैटिन। यहाँ पे हमने इसकी इमेज भी लगाई है एटोरवास्टैटिन की। तो इस तरह से आपको याद रहेगा यदि किसी ड्रग के लास्ट में स्टैटिन आता है तो वो लिपिड के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड इसके बाद में है सोन। देखिए सोन ऐसी दवाई होती है जो कि स्टेरॉयड के रूप में यूज़ की जाती है, और स्टेरॉयड का काम होता है बॉडी में इन्फ्लामेशन को दूर करना, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, इसलिए इनमें से आपको कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं बेटामेथासोन, कोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन। तो इन सभी मेडिसिन का यूज़ स्टेरॉयड के रूप में किया जाता है जो कि बॉडी में इन्फ्लामेशन को दूर करती है। और यहाँ पे हमने इसकी एक इमेज भी लगाई है, तो आप देख सकते हैं कि हर मेडिसिन के ऊपर दो नाम लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डेक्सामेथासोन ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है डेक्सोना। देखिए ये जो इसका डेक्सामेथासोम है ये इसका जेनरिक नेम है, जबकि जो डेक्सोना है ये इसका ब्रांड नेम है। तो ब्रांड नेम जो है वो कंपनी डिसाइड करती है, यानी कि कोई भी कंपनी किसी भी पर्टिकुलर जेनरिक नेम का या फिर सॉल्ट का ब्रांड नेम अलग रख सकती है, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन आपको देखना होता है कि इसमें कौन सा जेनरिक है यानी कि कौन सा इसके अंदर सॉल्ट है। तो इस तरह से आप मेडिसिन को पहचान सकते हैं। यहाँ पे हमने मैक्सिमम मेडिसिन कवर कर ली है और जो मेडिसिन रह गई है वो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखिए वीडियो केवल इसलिए बनाई गई है जिससे आप जान सके कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, लेकिन आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है, यानी कि आपको ये मेडिसिन खुद से नहीं लेनी है जब तक आपको डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।